नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके ब्रेन की सर्जरी हुई थी, उसके बाद ही वो कोमा में चले गए थे और फिर रिवाइव नहीं कर पाए। प्रणब मुखर्जी से जुड़ी कई कहानियां हैं, कई किस्से हैं। चूँकि राजनीति के वो पितामह माने जाते रहे हैं, चलती फिरती डिक्शनरी कहे जाते हैं, और उसी रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के तमाम राजनेता उनको याद कर रहे हैं। लेकिन उनसे जुड़ा हुआ एक दिलचस्प वाक्या है जो हम आपको बताना चाहेंगे कि वो प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाए, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी बुक में किया है। इसकी टीस हमेशा उनके मन में रही, लेकिन राष्ट्रपति भी वो जस्ट बाई चांस ही बने थे। कांग्रेस वो भी उनको नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन क्षेत्रीय दलों ने, समाजवादी पार्टी ने इसकी पहल कर दी और उसके बाद कांग्रेस के लिए पीछे हटना मुश्किल हो गया। प्रधानमंत्री नहीं बने, दो तीन बार ऐसे मौके आए, उसकी अलग कहानी एपिसोड में बताए हैं। लेकिन राष्ट्रपति भवन से उनका जुड़ा क्या किस्सा है कि 1969 में वो पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने। स्वाभाविक है कि दिल्ली की राजनीति में आए थे, एकदम यंग थे, और जब यहाँ की चकाचौंध और राष्ट्रपति भवन को देखा तो कहते ये हैं कि वो अपने, उनकी बहन आई हुई थी वहाँ से, पश्चिम बंगाल से, अन्नपूर्णा देवी, उनसे चाय पी रहे थे और बात कर रहे थे। तो इतने ज़्यादा वो राष्ट्रपति भवन को देख के प्रभावित हुए थे कि उन्होंने कहा कि अगले जन्म में मैं राष्ट्रपति भवन का घोड़ा बनना चाहूँगा। तो कहते ही हैं कि उनकी बहन ने ये कहा कि अगले जन्म क्यों और घोड़ा क्यों बनोगे, तुम इसी जन्म में राष्ट्रपति बनोगे। बहन की बात 100% सही साबित हुई, इसी जन्म में वो राष्ट्रपति बने, सफल राष्ट्रपति बने, भारत रत्न उनको मिला। राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले किए, और जो प्रधानमंत्री न बनने की उनकी कहानी है वो कुछ इस तरीके की है कि गांधी परिवार से दूरी की वजह से एक बार इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कहा यह जाता है कि प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, इस वजह से जो है गांधी परिवार से उनकी दूरी बढ़ गई, फिर वो कांग्रेस से अलग हो गए। फिर 1990 में जब बीपी सिंह सरकार गिरी और चंद्रशेखर की सरकार अभी बनी नहीं थी, तब कहा जाता है कि राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने माखनलाल फतेदार से खबर भिजवाई थी कि इनको प्रधानमंत्री बनाए राजीव गांधी, लेकिन राजीव गांधी ने तब चंद्रशेखर को सपोर्ट कर दिया था। फिर 2004 में जब यूपीए पहली बार आई, तब मनमोहन सिंह की जगह इनकी भी चर्चा चली थी, लेकिन कहा यह गया कांग्रेस की तरफ से, सोनिया गांधी की तरफ से, कि उनको बहुत अच्छी हिंदी नहीं आती, अब कोई ये बात पूछे। इसी को वो व्यंग में कहा करते थे प्रणव दा जब जिंदा थे तो, कि मनमोहन सिंह को भी हिंदी नहीं आती, लेकिन मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने क्योंकि मनमोहन सिंह से गांधी परिवार को कोई खतरा नहीं था, पॉलिटिकली खतरा नहीं था, जबकि ये इनसे पॉलिटिकली था, ऐसा कहा जाता है। खैर, बाद के दिनों में वो राष्ट्रपति बने, और उससे पहले जो है वो वित्त मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे, डिफरेंट डिफरेंट पदों पर रहे। तो घोड़े वाली कहानी प्रणव दा की कुछ इस तरीके की है कि अपनी बहन से उन्होंने ये इच्छा जताई थी और बने वास्तव में वो देश के प्रथम नागरिक। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना।